हेलो स्टूडेंट, चैप्टर बॉडी मूवमेंट में आज हम स्टडी करेंगे मसल्स की। मसल्स हेल्प अस मूव। अवर स्कल्टन, हमारी बॉडी में जो स्कल्टन है, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स का बना हुआ जो एक स्ट्रक्चर है, कैन नॉट मूव विदाउट द सपोर्ट ऑफ मसल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो बोन्स है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो स्कल्टन है, वो मसल्स की सपोर्ट के बिना मूव नहीं कर सकता। क्या है मसल्स? व्हाट इज मसल्स? मसल इज ए सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल विच मेक द बोन्स मूव। मसल एक सॉफ्ट टिश्यू है, ह्यूमन और अदर एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट एक सॉफ्ट टिश्यू है जो बोन्स को मूव करता है। द काइंड ऑफ मसल दैट मूव बोन्स एट द जॉइंट इज कॉल्ड स्कल्टल मसल्स। अब स्कल्टल मसल्स क्या है? ऐसी मसल्स जो हमारी बॉडी में हमारे स्कल्टन सिस्टम, मीन्स हम कह सकते हैं हमारी बोन से अटैच है, उनको हम स्कल्टल मसल्स कहते हैं। मसल्स एसोसिएटेड विद बोन्स आर कॉल्ड स्कल्टल मसल्स। तो ऐसी मसल्स जो हमारी बॉडी में बोन से, स्कल्टन सिस्टम से अटैच है, स्कल्टल मसल्स है। बोन मसल वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और मसल्स वर्क कैसे करती है? मसल्स जो है उनमें एक नेचर होती है कि मसल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्ट और थिक बन जाती है, और फिर मसल्स रिलैक्स होती है जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है। तो कंटिन्यूस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, और इसी तरीके से मसल्स जो है वो वर्क करती है। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। अब ये मसल्स बोन के साथ में कैसे अटैच है? ये मसल्स बोन के साथ में स्ट्रॉन्ग फाइबर से अटैच होती है। मसल को बोन के साथ अटैच करने वाले ये जो स्ट्रॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट इट्स टेंडन पुल द बोन एंड मेक द जॉइंट मूव। जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस मसल से अटैच जो टेंडन्स है वो बोन को क्या करते हैं? पुल करते हैं एंड मेक द जॉइंट मूव, और उस जॉइंट पे बोन्स जो है उनकी मूव होती है। द मसल्स जॉइन टू अवर बोन्स वर्क इन पेयर। अब ये जो मसल्स है वो हमारी बोन के साथ में पेयर के फॉर्म में पेयर्ड अटैच होती है, यानी एक मसल के साथ, एक बोन के साथ में दो मसल्स जो है वो अटैच होती है। रीज़न क्या है पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होने का? क्योंकि मसल्स जो है ये सिर्फ बोन्स को क्या कर सकती है? पुल कर सकती है। मसल्स बोन को सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। इसीलिए क्या होता है कि ये मसल्स जो है वो ऑलवेज क्या होती है? पेयर्स में होती है। बिकॉज मसल कैन नॉट पुश, दे कैन ओनली पुल। ये सिर्फ क्या कर सकती है? बोन को पुल कर सकती है। This means that a muscle can move, only move a joint in one direction. कि muscles जो है वो joint पे केवल एक ही direction में bones की move कर पाती है। This is shown at adjoining figure. अभी हम एक diagram की help से इसे explain करते हैं। When a one muscle of the pair contract, bones के साथ में muscle pair के form में है, तो जब एक muscle pair की एक muscle contract होगी तो उसी पेयर की जो सेकंड मसल है वो क्या होगी? रिलैक्स होगी। टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। अब बोन के साथ में मसल्स पेयर में है तो पहले क्या होगी? पेयर की जो एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसी पेयर की सेकेंड मसल्स रिलैक्स होगी तो बोन की एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। अब बोन की वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मूवमेंट के लिए सेकंड मसल जिसमें रिलैक्सेशन हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फर्स्ट मसल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या होगी? रिलैक्स होगी। बाइसेप्स, अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द बाइसेप्स कैन, ये हमारे यहां पर फोर लिंब हैंड की बोन्स और उसके साथ में अटैच मसल्स का डायग्राम है। ये यहां पर हमारा अपर आर्म है, ये फोर आर्म है। तो यहाँ पे इस अपर आर्म में कौन सी मसल है? ह्यूमरस बोन है, और यहाँ आगे जो है वो फोर आर्म में कौन सी है? रेडियस और अल्ना, ये यहाँ पे इनका क्या है? जॉइंट है। तो इस ह्यूमरस के साथ में, ये ह्यूमरस है,
अपर आर्म की बोन है। इसके साथ में ये दो टाइप की मसल्स है, बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल। और इन बाइसेप मसल को यहाँ अटैच करने के लिए क्या है, इस जॉइंट पे टेंडन्स है। अब आप ये देखें कि ये हमारे जो फोर आर्म है, इसकी मूवमेंट पहले यहाँ से वन डायरेक्शन में ऐसे कैसे होगी, कि ये इस ह्यूमरस के साथ में जो बाइसेप्स मसल है, इसी के नीचे ट्राइसेप्स मसल है। तो पहले बाइसेप मसल क्या करेगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इस बाइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके नीचे की ये ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स होगी। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रिलैक्सेशन होगा, ये यहाँ पे मूवमेंट किधर की ओर होगी, शोल्डर की ओर। क्लियर है? जब ये मूवमेंट इधर हुई तो यहाँ बाइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और नीचे की ट्राइसेप मसल में रिलैक्सेशन हुआ है। अब इसे अगर वापस ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में लाना है तो क्या होगा, अपोजिट वर्क होगा। नीचे की जो ट्राइसेप्स मसल है उसमें अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऊपर की बाइसेप्स मसल में रिलैक्सेशन होगा। ऊपर की बाइसेप्स मसल रिलैक्स होगी, नीचे की ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर मूव करती है। तो इस तरीके से बोन्स के साथ में मसल्स जो है वो ऑलवेज पेयर में होती है। तो ये हमने अभी एक इसका एग्जाम्पल लिया है। अभी हम फ्रैक्चर्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। व्हेन ए बोन ब्रेक्स इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। जब बोन्स जो है वो टूटती है उसके हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर का हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि किसी भी इंजोर्ड पार्ट में बोन फ्रैक्चर हो चुकी है? वी कैन टेल इफ इट इज ए फ्रैक्चर व्हेन देयर इज ए बिग स्वेलिंग एंड पेन अराउंड द इंजर्ड एरिया। जब भी इंजर्ड एरिया पे एक बड़ी स्वेलिंग हो जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि उस इंजर्ड एरिया की बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है।